हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता नाया पे। सुबह के बज रहे 5:30। आज का मौसम यहाँ का बहुत सुहाना है। आज बारिश हो रही है और मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ कितने सारे। देखिए, आज यहाँ पे बारिश हुई है और नीचे फूल ही फूल बिछ गए हैं। ये रहा आपका खूबसूरत सफेद जो आपसे रोज गुड मॉर्निंग करता है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं चाय बनाने से। बने रहिए व्लॉग पे। मौसम बहुत अच्छा है। आज हुई है बारिश। बारिश में चाय पीने तो अपना ही मजा है। मेरी चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है। तेल हो चुका है गरम। अब मैं अपनी आलू की सब्जी छौंक देती हूँ। आलू के सीजन की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। ये किचन का म्यूजिक सभी के घर में रोज बजता है, सुनाई देता है। पक चुकी है मेरी सब्जी, ऑलमोस्ट पक चुकी है। जैसे कि अनार को क्रंची आलू चाहिए होती हैं, आज बिल्कुल वैसे ही बनी है। अभी थोड़ी देर में चलेंगे अनार को जगाने। नाश्ता बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुका है। जैसे कि ये रोटी साथ साथ में मैं अपनी चाय पीती जा रही हूँ किचन में ही। कि सुबह इतना समय नहीं रहता कि आराम से चाय बैठ के पीए। अनाया की क्रंची आलू रेडी हैं, कर देते हैं टिफिन पैक। देती हूँ अपनी चाय। आज अनाया को फ्रूट लंच में बनाना दूंगी मैं। चलिए ले चलते हैं टिफिन और पैक करके बैग में रख देते हैं। आज बारिश का मौसम है तो अम्ब्रेला हमने पहले से ही रख दिया है। चलिए रखते हैं इसको गाड़ी में। नाया भी अब उठ चुकी है, करने जा रही है ब्रश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरी जान।
सुबह सुबह बच्चे कितने मासूम लगते हैं ना, क्या जिंदगी है बच्चों की भी। गुड मॉर्निंग, अनाया का ब्रेकफास्ट लेके, अनाया आज ब्रेकफास्ट में खाएंगी एप्पल एंड जैम्बर्ड, उसमें से भी एप्पल उनको आज फ्रेंच फ्राइज कटनी चाहिए था। हालांकि फ्रेंच फ्राइज तो नहीं खाती हैं, खाते हो फ्रेंच फ्राइज? नहीं खाती हैं, लेकिन इन्हें एप्पल चाहिए फ्रेंच फ्राइज में। चलिए अनाया इंजॉय करती है अपना ब्रेकफास्ट और मैं अपना कुछ काम और निपटा लेती हूँ। भैया अनु भी आ चुके हैं, निकाल लें गाड़ी और ये अनाया जा रही है बैठने के लिए, है ना। आज कैसा वेदर है अनाया, कैसा वेदर है? ब्यूटीफुल ना, बहुत आराम से। अनाया चले बैठो, सीट बेल्ट लगा ले बाबू, सीट बेल्ट लगा ले। अनु भैया इन्हें पैसे मैसेज करेंगे तो सब्जी ले जाएगा, ठीक है। लव यू, हैव अ गुड डे, बाय, जय। अनाया चलिए अपने स्कूल, अब मैं जा रही हूँ अपनी तैयारी करने। बहुत जल्दी जल्दी मैं बचा हुआ रूम भी मैनेज कर लेती हूँ। चुकी हूँ अपने घर से स्कूल के लिए और देखिए शोर शराबा पी आज सोमवार है ना, तो आज सावन की वजह से रास्ते में सिर्फ और सिर्फ काम बहुत ज़्यादा रश होता है सुबह, क्योंकि स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं उन्हें सबके ज़्यादा दूर होती है। आज मिलाते हैं आपको बचपन के बहुत ही पुराने मित्र से और आपको देख के अच्छा लगेगा, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। मिलाती हूँ। तो ये वो पुराना मित्र जो आपकी बचपन की यादों को ताजा करता है, जिसकी एक बल से आप जो है भाग लेते थे घर के लिए छुट्टी होते ही। ये आपका घंटा। चुकी हूँ स्कूल से घर, मेरी बेटी ने बाग ले लिया है और अपने आप पहने बाबू ने कपड़े। अभी मुझे क्या करना है, ये जो सामान जो मैंने सुबह ड्राइवर भैया से मंगाया था वेजिटेबल जाके वॉश करूंगी और ये जो चीजें थी इनको डिब्बे में रखूंगी जाकर के, और अनाया का बैग जो है ना उससे लंच बॉक्स, फ्रूट लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीजें निकाल के इनको थोड़ा सा वॉश करके रखूंगी और फिर हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। बाबा हाउ इट वॉज योर डे टूडे? गुड। हैव यू एंजॉयड देयर? यस। हाउ यू एंजॉय देयर, टेल मी। ऐसे एंजॉय करता है कोई स्कूल में? हाउ यू एंजॉय देयर बाबा? मैं जा रही हूँ किचन की तरफ क्योंकि अनाया को लगी है भूख, तो कुछ बना के अनाया को बना रही थी रोटी, और इसी बीच में बुआ आ गई हैं अपनी ऑनलाइन साड़ी का डिस्कशन करने। बुआ बेचारी इतनी परेशान है, कई साड़ियां देखी बुआ ने सावन के लिए, ग्रीन साड़ी, ग्रीन कोई आ पा रही है कोई नहीं आ पा रही है। बुआ जी फिर लेके आई है कोई ग्रीन साड़ी दिखाने के लिए। वो कौन सी पसंद आई है आपको? ये पसंद आई है, ये चली प्रिंटेड नहीं है, तो ये जो एक बुआ ने मंगाई थी बेचारी, लेकिन वो प्रिंटेड जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा पानी के साथ में मसला उसका प्रिंट ही उड़ गया है ना बुआ, तो आप प्रिंट वाली साड़ी मंगाएंगी? नहीं मंगाएंगी। बुआ मेरे से ना, मेरे से आती है राय लेने, ये अच्छी साड़ी है नहीं है ना बुआ? हाँ। कुछ बोल दे। हाँ आते हैं तुम्हारे पास। अब मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। बुआ को पता था, लेकिन बुआ ना पसंद पूछती है। हाँ अभी बस ये रोटी सीख जाए ना, उसके बाद में भी बुआ का भी
सर्च करते हैं कोई साड़ी ग्रीन कलर की है, हम देखोगी तुम हाँ पसंद हुआ करेंगी और मैं सर्च करूंगी यहाँ कौन सी मंगानी है कौन सी नहीं मंगानी है। हाँ क्या कह रही, उसमें पाउडर ऑर्डर नहीं है। किसमें? इसमें जैसे ये देखिए। अच्छा तो यही पसंद आ रही है आपको? ये पाउडर नहीं है, सही है। सही है हाँ। बुआ का डिस्कशन अभी जल्दी खत्म नहीं किया। लेती हूँ अपनी सब्जियाँ, जिसमें मैंने आज टमाटर मंगाया है, भिंडी मंगाई है और थोड़ी सी घुइया और आलू। घुइया तो मैं एकदम लास्ट में धुलूंगी क्योंकि इनमें ना मिट्टी होती है और ये खिसकती बहुत ज़्यादा, मुझे छूने से ही लग रहा है खुजली सी होने लगती है ना भैया, ऐसे इनको लास्ट में धुलूंगी। सबसे पहले मैंने धुल लिए हैं टमाटर। हाँ टमाटर के बारे में पूछा था, आपके शहर में टमाटर का इस समय क्या रेट है? मेरे सिटी में तो टमाटर है 180 रुपीस पर केजी। अब आप लोग बताएं आपके यहाँ टमाटर कितना, कहीं पे 160 है कहीं पे 180 है, हमारे यहाँ तो 180 है। और भिंडी जो कि मेरे हफ्ते में 3 दिन बनती है, वो भी किसकी वजह से? मेरी बेटी की वजह से। मेरी बेटी को भिंडी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। अनाया आ गए, अनाया खाना आके आ भी गई। अनाया किसको पसंद है, किसको पसंद है भिंडी, किसको पसंद है, कितना पसंद है बाबू? बहुत ज्यादा। इवन अगर अनाया को ना डेली अगर मैं भिंडी दू ना तो ये मना नहीं करने वाली है ना। अनाया ना डेली भिंडी खा ले अगर इन्हें मिले तो। क्या चाहिए था, कैरेट चाहिए था, अभी मैं लाती हूँ। अभी इन्होंने जस्ट अपना अभी लंच फिनिश किया दोपहर का, और मैं भी इनके साथ खा के आई हूँ, ये भी। मैं इधर सब्जी धुलने चली आई हूँ, इन्हें क्या चाहिए इतनी देर में, कैरेट चाहिए। अनाया ना हेल्दी फूड तो बहुत पसंद करती है, एक अच्छा ही मिला दूंगी। अभी अभी अनाया ने ना अपना भी बर्तन ही देखी लेकिन चूज करके दे दिया है कि मम्मा इसमें हाँ ये और ये, इसमें आप काट के मुझे कैरेट दे दें, ये पसंद है अनाया को। मैं बता दूंगी मैं मोस्टली स्टील हाँ जाएगा भी, मैं मोस्टली स्टेनलेस स्टील यूज करती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि प्लास्टिक अवॉइड करूँ, लेकिन वही है ना बच्चों की चॉइस के पीछे कभी। हाँ बाबू बारिश, हाँ बारिश हुई थी। चलिए मैं अपनी भाई लेडीज के पास में इतना काम रहता है कि वो गिनने बैठ जाए ना तो बहुत से काम छूट जाएंगे जो नहीं, जैसे कि ये सब्जी धुलना, बच्चा हुआ खाना फ्रिज में रखना, गैस साफ करना, वार्डरोब साफ करना, डेली जो है ना कूड़ा निकाल के डस्टबिन में डालना, ये इतने ज्यादा ये छोटे छोटे काम है ना, भूलने वाले काम है। जैसे आपने दूध है, दूध से मलाई छानी उसे रख दी, तो ये काम ना गिनने में नहीं आते किसी के, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम होते हैं। बाबू की टिफिन अलग से धुल के रखना, बॉटल अलग से रखना, ये सब काम ना सच में कोई नहीं गिनता, भूल जाते हैं। आप कई दिनों बर्तन धुलना है, खाना बनाना, ये बड़े बड़े काम गिने जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं ना ये बहुत होते हैं। देखा बनाया कुछ ये कैरेट, वो भी फ्लावर कट में, कैरेट है बहुत पतली तो मुश्किल तो है बनाना इसका फ्लावर, लेकिन देखते हैं अगर बन पाता है तो बन जाता है, नहीं तो फिर उनका मुँह तो बनना ही है नाया का, क्योंकि वो कैरेट आजकल इसीलिए खाती हैं कि उनको मम्मा फ्लावर कट में बना के दे देती है। देखते हैं, मुश्किल लग रहा है, टेढ़े मेढ़े फ्लावर बनेंगे, नई डिजाइन के फ्लावर बनेंगे आज। देखते हैं फ्लावर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज खाना तो उसे है ही। जबकि सैलेड में अभी ना मैंने उसे कुकुम्बर दिया था खाने के साथ में, लेकिन मेरी भूखड़ बेटी, चल मैं आज नए स्टाइल के फ्लावर बने, मैं दिखाती हूँ कैसे। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बन गए। थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं, मेरा मन तो राइस खाने का, मंदिर राइस पाई है बनाया थी।
आलू की सब्जी रोटी और कुकुम्बर। और सबसे अच्छा ये टाइम मुझे लगता है क्योंकि इस समय ना हम रिलैक्स होते हैं, सुबह की ड्यूटी करके और अनाया स्कूल से आ जाती है, हम दोनों हो रही है फ्रेश, लंच करेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हमारा रहेगा इसके बाद में, है ना अनाया? इसके बाद हम मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, अनाया भी स्कूल की बातें मुझसे शेयर करेगी और मैं अपने स्कूल की बातें शेयर करूँगी इनसे। उसके बाद अनाया ट्यूशन पढ़ेंगी शाम को, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, थैंक यू।